नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ हेल्दी सा एक नाश्ता, ओट्स का। ओट्स बहुत ही हेल्दी होता है और हल्का फुल्का होता है, तो आज मैं उसी का नाश्ता बनाऊंगी। देखिए उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है और ये चॉप किया हुआ है करी पत्ता, और यहाँ पे हरी मिर्च है, और एक अदरक का टुकड़ा है 1 इंच का, और यहाँ पे है पीली सरसों है और जीरा है, और मैंने 1 कप ओट्स लिया है। ये देखिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई देख रही हूँ और गैस को ऑन करके गर्म होने के लिए रख रही हूँ। इसमें 2 चम्मच मैंने तेल डाला है। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ और ये पीली सरसों जो थी वो भी डाल देते हैं। पर मिर्ची भी डाल देते हैं, और मैंने जो कद्दूकस करके रखा था 1 इंच का टुकड़ा अदरक का वो भी डाल देंगे, और यहाँ पे करी पत्ता चॉप किया हुआ था। इसके बाद मैं डाल दूंगी ये प्याज जो बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ है। सबको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज भून रहा है। मैं हाई मीडियम पे करके भूनी हूँ, क्योंकि लो मीडियम पे करके भूनने से प्याज ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं यहीं पर डाल रही हूँ शिमला मिर्च हरी वाली, और ये रेड वाली भी है हमारे पास, तो मैं रेड वाली भी डाल दे रही हूँ। इसको अच्छे से भून लेंगे। हाई पे ही है हमारा गैस। यहाँ पर ये देखिए मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर है, और ये चिली फ्लेक्स है, और ये ओरिगैनो है। मैं तीनों को डाल दूंगी, आधी आधी चम्मच तीनों है। ये देखिए हमारा, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, ये देखिए थोड़ा सा क्रंच रहेगा तो अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ये ओट्स, ये देखिए 1 कप, और ये 1/2 कप से थोड़ा कम है, 1.5 कप से थोड़ा कम है मैंने डाला है ओट्स। बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता होता है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो ये कोई भी आदमी खा सकता है और बहुत ही हेल्दी होता है ये। ये देखिए ये सूजी है, मैं यहाँ पर 1 कप सूजी डाल दूंगी, 1 कप से थोड़ा कम, 1 कप, देखिए 1 कप से 1/3 डाला है मैंने। इसको भी भून लेंगे अच्छे से, इसका कच्चापन खत्म कर देंगे सूजी का भून करके। बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता बनता है और सभी को बहुत पसंद आता है। आप इसको शाम में भी खा सकते हैं, सुबह भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, इसको बना करके 2 हफ्ता भर के लिए रख भी सकते हैं कच्चा वाला। ये देखिए हमारी सूजी और ओट्स भून रहा है, इसको 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, इसका कच्चापन निकाल देंगे। ये देखिए हमारा भून गया है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी पानी, ये देखिए 2 कप के करीब पानी है, मैं अभी 1/2 डालती हूँ, फिर से डालूंगी 1/2। पहले इसको अच्छे से कर देती हूँ, इतना पानी डालूंगी अंदाज से कि अच्छे से ये पक जाए, थोड़ा ये पूरा ही डल जाएगा। मैंने 2 कप पानी लिया था, जिस कप से ओट्स लिया था उसी कप से 2 कप पानी था इसमें। मैंने लो मीडियम पे किया हुआ है अभी गैस को,
यहाँ पर टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे, और पहले डालना चाहिए था, मैं भूल गई थी। अभी भी मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल डो की तरह हो जाएगा ये। ये देखिए हमारी सूजी डो के फॉर्म में हो गया है। अब यहाँ पर गैस बंद कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे ट्रे लिया है, इसको तेल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने ट्रे में पलट लिया है, अब इसको अच्छे से बराबर कर देते हैं। आपके पास केक ये बर्फी वाली ट्रे है तो आप उसमें भी जमा सकते हैं, मैं वैसे ट्रे में जमा रही हूँ इसमें। आप थाली में भी जमा सकते हैं, किसी भी चीज़ में जमा सकते हैं, मन चाहे आकार में काट सकते हैं। आप घर में बनाने का यही तो फायदा होता है कि जिस आकार में काटना हो, जैसे पसंद हो, खुद को वैसे ही बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है। ये देखिए हम कितना अच्छा सा ये हो गया है। अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसके पीसेज कट करेंगे। ये देखिए मैंने पीसेज कट कर लिए हैं, ये देखिए यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा ये, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने गैस ऑन करके एक पैन रखा है, और इसमें मैं डाल रही हूँ राइस ब्रान ऑयल। बिल्कुल स्लो फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो मैं इसमें इस तरह से डाल करके इसको थोड़ा थोड़ा गोल्डन कर लेंगे। ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और आप यहीं पर चाहें तो इसको कट करके और स्टोर करके रख सकते हैं, जब आपके मेहमान आने वाले हो या कोई छोटी मोटी पार्टी हो तो उस समय के लिए आप इस तरह से स्टोर करके डब्बे में रख सकते हैं। ये देखिए मेरा पकते हुए 2 मिनट हो गया है, तो मैं इसको पलट देती हूँ। देखिए दूसरी तरफ का कलर कितना अच्छा सा आया है। इस तरह उंगलियों के सहारा लगा करके या चम्मच के सहारा लगा करके इस तरह से पलट देंगे, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता दोनों तरफ से गोल्डन हो गया है, तो मैं इसको निकाल दूंगी। देखिए मैंने लिया है एक प्लेट, उसमें पेपर नैपकिन रख दिया है, उसके ऊपर निकाल करके रख दूंगी। ये देखिए दूसरी बार भी डाल देंगे, इसमें बहुत ही कम तेल लगता है, जो मैंने तेल डाला था पहले उसी तेल में डाल रही हूँ। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, बहुत ही कम तेल लगता है इसमें और बहुत ही टेस्टी बन जाता है ये। आप इसके पीसेज अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटा बड़ा शेप अपने अनुसार भी दे सकते हैं। अब गोल्डन होने देंगे एक तरफ से, फिर पलट देंगे। ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी गोल्डन हो गया है, और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैं यहाँ पर गैस बंद कर देती हूँ और इन सबको निकाल लेती हूँ, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। ये देखिए मैं इसको जिप लॉक में रख करके रख दूँगी फ्रीजर में, ताकि कोई मेहमान आए तो आप 1 घंटा पहले निकाल दें, या फ्रिज में ऐसे 2-3 दिन तो फ्रिज में ही रख सकते हैं। यदि फ्रिज ज़्यादा दिन रखना हो तो फ्रीजर में रख सकते हैं आप। जब यहाँ पर गैस बंद कर दूँगी, ये देखिए हमारा बन करके तैयार हो गया है, तो अब मैं इसका प्लेटिंग करूँगी। अब इतना सारा देखिए मैं इसको रख ली हूँ, बाद में इसका करूँगी फ्राई। कोई मेहमान आने वाले हैं मेरे घर 2-3 दिन बाद, तो मैं 2-3 दिन बाद उनको बना करके खिलाऊँगी, और उनको भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अब जब भी खिलाएँगे ना इस तरह से नाश्ता, तो कोई भी पूछेगा कैसे बनाया, बहुत ही टेस्टी बनता है ये।
ये देखिए मेरा बनकर के तैयार हो गया है, मैंने प्लेटिंग कर दिया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए मैं तोड़ करके आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा सा है, बहुत ही टेस्टी है। इसको तो अभी मन कर रहा है खा लें, और अभी बनाकर खाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।